हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कलेक्टर मनीष सिंह, विधायक रमेश मेंदोला और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मंगलवार सुबह नगर निगम अफसरों के साथ निर्माणाधीन कुलकर्णी भट्टा पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों को सहमति के आधार पर हटाने और उनके व्यवस्थित विस्थापन को लेकर भी बात हुई। विधायक के आग्रह पर कलेक्टर बोले कि पहले सड़क चौड़ीकरण के सभी प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाएगा, इसके बाद बाधक मकान आदि तोड़े जाएंगे। इस दौरान निगम अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नए पुल की अप्रोच रोड के लिए दोनों तरफ 92 कच्चे पक्के मकान तोड़ना पड़ेंगे। पुल की स्लैब बनाने का काम जारी है। विधायक ने बताया कि बाधक निर्माण हटाने के लिए लोगों से चर्चा कर सहमति बनाई जा रही है और ज्यादातर लोग हटने के लिए तैयार भी हैं। फिलहाल पुल की तीसरी स्लैब डालने का काम मंगलवार को शुरू हो रहा है, जिसे 48 घंटों में पूरा करने का लक्ष्य है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्लैब डलने के तुरंत बाद अप्रोच रोड का काम भी शुरू किया जाए। कुलकर्णी भट्टा पुल का काम पिछले 2 साल से हो रहा है। लॉकडाउन के कारण बीच में 4 से 5 महीने काम बंद रहा, लेकिन अब उसे दोबारा शुरू किया गया है। ये पुल 100 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा बनाया जा रहा है। इसके निर्माण पर निगम लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ब्रिज और उसके दोनों तरफ 100 मीटर लंबी अप्रोच रोड बनाने में कम से कम 5-6 महीने का समय और लगेगा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।